फ्रेंड्स, आज हम लोग ये चाइना की यूनिवर्सल किट है जो कि इस पे हमें कमेंट आई थी। फ्रेंड्स जो हमारे नए नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, वो कमेंट आई थी कि हमें सर आप इसके ऑल वोल्टेज का वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर करें इसको। और हमारी यही उम्मीद रहती है कि हमारे जो नए नए फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी काम सीख सकें और अपने लिए कुछ आगे कर सकें, जिसकी वजह से उन लोगों को मंजिल मिल जाए और उनका काम आगे बढ़े। यही हमारी हमारा प्रयास रहता है आप लोगों के साथ कि हम आपको कुछ सिखा सकें और आप लोग जो है हमारे ये यूट्यूब चैनल पटवा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। और जो हमारे नए फ्रेंड्स बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं, उनके लिए हमारा दिल से हम उन्हें स्वागत करते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि आप लोग कुछ अच्छा कर दिखाएं, जिसके लिए आप लोगों को तरक्की मिल सके और अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकें आगे बढ़कर। जो टेक्नोलॉजी में आने वाले हमारे नए फ्रेंड्स हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं जो ये काम सीख रहे हैं। और हमारी यही उम्मीद रहती है कि आप लोग इतना आगे बढ़ें कि शायद आप सोचने में मजबूर हो जाएं कि हम इतना आगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी यही उम्मीद रहती है कि आप लोग बढ़ें और कुछ कर दिखाएं और अपनी लाइफ में लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर चीज़ में एंजॉय कीजिए, लेकिन आप अपने काम के प्रति भी ज़्यादा तत्पर रहिएगा, क्योंकि काम है तो दुनिया में नाम होगा, नाम है तो सभी काम होंगे आपके, नो प्रॉब्लम। और आज हम इसी पे आपको वोल्टेज दिखाएंगे, चेक करके आपको लाइव वोल्टेज दिखाएंगे। और ये कमेंट के जरिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमारी यही उम्मीद रहती है कि आप लोग सीखें और कुछ कर सकें। और फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं, ज़रा इसके वोल्टेज देखते हैं। ये हमारे आप आज दो दो डिजिटल मीटर देख रहे होंगे जो कि हमने रखे हुए हैं। हमारा एक एसी 750 वोल्ट पे लगा हुआ है और एक डीसी 1000 वोल्ट पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमने दो दो डिजिटल मीटर इसलिए रखे हैं जिसमें हमें इसकी मान को चेंज ना करना पड़े, इसकी वजह से हमने रखे हैं, हमें प्रॉब्लम ना हो सके। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, अब इसका प्लग लगाते हैं और आगे देखते हैं, इसके वोल्टेज देखते हैं। हम एसी वोल्ट पहले चेक करेंगे, हमारा एसी वोल्ट क्या होना चाहिए। और फ्रेंड्स, हमने बटन ऑन कर दिए और आपको एसी वोल्ट हम चेक करके दिखाएंगे। और ये एसी वोल्ट हमारा जो है 267 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि क्लियर है, यही वोल्टेज हम आपको दिखाने वाले थे। और ये वोल्टेज देख लिया आपने, उसके बाद हम चलते हैं अब इसके डीसी मोड पे करेंगे ये हम अपना मीटर, डिजिटल मीटर। और इसको हमने डीसी वोल्ट पे डाल दिया, 1000 DC वोल्ट। और अब चेक करेंगे हम इसमें जो हमारा 300 वोल्ट है वो कैसे हमारा पर्याप्त चलेगा, ये हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा 368 वोल्ट दिखा रहा है और जो कि राइट है। और इसके हम जो हमारा ये चॉपर ट्रांसफार्मर लगा है, इसकी पिन पे देखेंगे हमारा स्विचिंग क्या कर रहा है। ये 368 वोल्ट यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग भी इस चीज़ से आप घबराइएगा नहीं, आप काम करेंगे तो आपको वोल्टेज चेक करने होंगे। और ये वोल्टेज हमने आपको चेक करके दिखा दिए। और अब आगे चलते हैं, इसके वोल्टेज हम कैसे चेक करेंगे ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये हमने अपना डिजिटल मीटर एक हटाया और दूसरा हमारा डिजिटल मीटर लगा हुआ है जो कि आपको अब हम वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारे वोल्टेज इस डायोड पे मिलने चाहिए, हमारा जो वोल्टेज है वो 113 वोल्ट दिखा रहा है जो कि राइट है। और यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज जो है 24 वोल्ट दिखा रहा है, राइट है। और यहाँ हमारा 910 वोल्ट दिखा रहा है, ये भी राइट है। और यहाँ पर हमारे वोल्टेज 14 वोल्ट दिखा रहा है, राइट है। और इसमें जो है हम वोल्टेज आपको यहाँ पर हमारी जो ये की बटन होती है इस पर भी वोल्टेज आपको आने चाहिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये हमारा 5 वोल्ट आ रहा है,
ये आप लोगों को पर्याप्त वोल्टेज मिलना चाहिए, तभी आप आगे काम कर पाएंगे। और ये हमारा आईआर फंक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आईआर फंक्शन है, इस पर भी कोई वोल्टेज नज़र नहीं आ रहा हमें। और यहाँ पर भी 5 वोल्ट हमें मिलना चाहिए जो मिल रहा है बरकरार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब हम देखते हैं हमारा जो 5 वोल्ट बनता है वो कहाँ से बनता है। ये हमारा एक इसमें लगा हुआ है, ये मॉस्फेट है छोटा सा जो देख रहे होंगे आप, इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर हमें 8 वोल्ट दिखा रहा है, ये 8 से 7 वोल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। ये हमारा 5 वोल्ट बनाने के लिए काम करता है मॉस्फेट। ये आप लोगों को जानकारी जो हम दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हमें ये 114 वोल्ट से रजिस्टेंस ड्रॉप की गई है इसमें, जो कि आप लगाई गई है इसमें हमें 34 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि राइट है, जो हमारे ट्यूनर के लिए जाते हैं। ये आप लोग समझ पाएंगे तभी आगे काम हो पाएगा आप लोगों का। और अब आगे देखिए, हम आप लोगों को दिखाते हैं हमारे वर्टिकल वोल्टेज क्या होने चाहिए। वर्टिकल वोल्टेज पे हमारी जो ये पिन नंबर 2 है इस पर हमारे 24 वोल्ट दिखा रहा है, और इस 24 वोल्ट दिखा रहा है, और इस पिन पे हमारे क्या वोल्टेज होने चाहिए, यहाँ पे भी 24 वोल्ट होने चाहिए, जो कि एकदम राइट है। 23 दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से चेक कीजिएगा। और ये हमारी यहाँ पर भी पल्स वोल्ट आ रहा है, जो 3 वोल्ट दिखा रहा है, ये पल्स वोल्ट है हमारे। और हमारे जो मेन हमारा वीडियो विभाग जो चलता है, ये हमारे जो योक कॉइल पे वोल्टेज जाते हैं इसके, वो आप लोगों को हम वोल्टेज दिखा रहे हैं मेजर करके, जो आप देखिएगा बहुत ये बहुत खास वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर ये हमारा 17 वोल्ट दिखा रहा है, और दूसरी पिन पे हमारा क्या वोल्टेज होगा वो भी आप देख लीजिएगा। ये दूसरी पिन पर हमारा वोल्टेज होगा 11 वोल्ट, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये वोल्टेज अगर ड्रॉप होते हैं आपके तो आपके लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, आपको पहले सबसे पहले आईसी चेंज करनी होनी होगी, और वोल्टेज आप लोग मेजर करेंगे तभी मालूम पड़ेगा आप लोगों को। कोई भी फॉल्ट बनाने से पहले आप पहले वोल्टेज मेजर करेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। और आइए आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं वोल्टेज हमारे जो आईसी के थ्रू पर वोल्टेज मिलते हैं 5 वोल्ट, वो हमारे कैसे चलते हैं ये भी दिखा देंगे आप लोगों को। शायद आपको डिजिटल मीटर हमारा दिख रहा होगा, और ये हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे, और ये हमारे वोल्टेज यहाँ पे होने चाहिए 5 वोल्ट, जो हमारा ये चलता है 10, ये हमारी 9 पिन है ये हमारी मेन आईसी की 9 नंबर, इस पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे 9 वोल्ट मिलने की वजह यही होती है, जब यहाँ पे 9 वोल्ट नहीं आते तो हमारी आईसी ऑन नहीं होगी, और आईसी ऑन नहीं होगी तो हमारे सिस्टम काम नहीं करेंगे। ये आप लोगों को खास मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ये वोल्टेज आप लोगों को हमने मेजर करके दिखाया, हमारी फ्लैश आईसी पे क्या वोल्टेज होने चाहिए, जो मेमोरी आईसी होती है हमारी, इस पर भी हमें 5 वोल्ट नज़र आने चाहिए, जो कि इस दिए पर्याप्त, आप देख सकते हैं हमारे ये 5 वोल्ट ये दिख रहा है आप लोगों को, जो कि प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं इसमें। और आप लोगों को वोल्टेज हम मेजर करके इसलिए दिखा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल विभाग होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल विभाग में मॉस्फेट लगता है, उस पर हमारे वोल्टेज क्या होने चाहिए ये भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल विभाग का मॉस्फेट लगा हुआ जो आप देख रहे हैं, ये हमारा सिस्टम आईसी से कन्वर्ट है, जिसमें वोल्टेज हमारे 13 वोल्ट दिखा रहा है, ये हमारा वोल्ट आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल विभाग ऑन नहीं होगा। ये आप लोगों को खास जानकारी इसलिए दे रहे हैं हम आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की कमेंट आई थी कि सर हम इस किसे किस प्रकार से ऑनलाइन वोल्टेज हम चेक करेंगे तो हमें फॉल्ट कैसे पकड़ने मिलेगा। और ABL सप्लाई आप लोगों को दिखा देंगे हम, ये भी ABL सप्लाई हमारी कैसी होनी चाहिए। ये ABL सप्लाई जो हमारी 5 से 6 वोल्ट दिखा रहा है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये वोल्टेज मिलने चाहिए हमारे प्रॉपर तरीके से हमारी EST ट्रांसफार्मर पर। और ये वोल्टेज आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलाएंगे, और आप जो नए हमारे फ्रेंड्स बन रहे हैं या हमारे टेक्निकल में आ रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकें और आप आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। हमारा उद्देश्य यही हमारे चैनल का है कि आप लोग आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं।
और फ्रेंड्स यही हमारा मुद्दा रहता है कि हम आगे आप बढ़ेंगे तो हमें हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम हमारा प्रयास ये रहता है कि आप आगे बढ़ें, तभी हमारा जो वीडियो बनाने में जो हमारा दिल लगता है वो लगा रहे, ये हमारी उम्मीद रहती है कि हमारे फ्रेंड्स, ये हमारा ये कॉइल लगी हुई है जो आप देख रहे होंगे, ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल पे 13 वोल्ट इधर भी नज़र आ रहा है और 13 वोल्ट इधर भी नज़र आ रहा है, ये आप खास तौर से आप देख लीजिएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, हमारी उम्मीद ये रहती है फ्रेंड्स। और आज जो हमने आप लोगों को ये वोल्टेज दिखाए हुए हैं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे हमारा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम आप लोग के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, हम भी आपके लिए समय निकालते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कुछ हमसे पा सकें और हम उनसे कुछ पा सकें। फ्रेंड्स जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश ही कर सकते हैं हम, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा सीखें। और अच्छा सा ये 8 वोल्ट हमारा जो कलर के लिए चलता है, ये 8 वोल्ट नज़र आ रहा होगा आपको, ये कलर रिलेटेड ये वोल्टेज है हमारा, जो कि रेड ग्रीन ब्लू, ये 8 वोल्ट हमारा कलर में भी जाता है नो प्रॉब्लम, और आईसी पर भी आपको ये 8 वोल्ट मिलना चाहिए। किसी किसी में हमारी आईसी में 8 वोल्ट की व्यवस्था नहीं देते हैं, और वो अलग की बात है, वो कैसा सर्किट बनाते हैं, कैसा डायग्राम बनाते हैं, वो अलग की बात है। और ये 8 वोल्ट आपको दिख रहा होगा, हमारी ये पिन नंबर 54, ये पिन नंबर 54 पे हमें मिलने चाहिए 8 से 9 वोल्ट, ये आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। आप फॉल्ट पकड़ सकते हैं, आप जब आपको सप्लाई का नॉलेज होगा तो आप फॉल्ट ज़रूर पकड़ेंगे। और यहाँ पर हमारे जो ट्यूनर लगा होता है, इसमें मैंने ट्यूनर हटा रखा है क्योंकि ये सर्किट हम हमेशा यूज में लाते हैं कभी कभी। और आप लोगों को हम यहाँ पर भी 5 वोल्ट दिखा देंगे, ये हमारा 5 वोल्ट है, देख लीजिएगा आप, ट्यूनर पे भी 5 वोल्ट मिलने चाहिए। और ट्यूनर की ये जो 5 वोल्ट सप्लाई है ट्यूनर पे जो आती है, यही हमारी आईसी पर भी मिलेगी, इसी के थ्रू आपको सर्किट के हिसाब से समझना होगा। और ये सप्लाई ना मिलने से हमारे काफ़ी फॉल्ट होते हैं, और फॉल्ट हम आपको जब आप सीआरटीडी पे भी हम काम करेंगे इसके प्रति, तब आपको दिखाएंगे कि हम कैसे इसके वोल्टेज फॉल्ट पकड़ सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप लोगों को हम एक एक चीज़ समझाएंगे, तभी आगे काम बढ़ेगा आप लोगों का। और फ्रेंड्स हमें उम्मीद यही है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे इसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स हमारे जो बोल रहे थे कि सर आप कोई ऐसा सप्लाई का वीडियो बनाएं जो उसमें हमें सप्लाई पूर्ण रूप से जानकारी मिले और हम आगे बढ़ सकें फ्रेंड्स। और हमारा तो तात्पर्य है हम आपके लिए हमेशा और रहेंगे, और हमारी उम्मीदें यह रहते हैं कि आप लोग अच्छा काम करें, अच्छा नाम कमाएं और पैसा भी कमाएं, जो कि आज के युग की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा होगा तभी आगे हमारे काम चल पाएंगे। और फ्रेंड्स आप हमारा जो ये चैनल है पटवा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टेक्निकल का ही चैनल है, आपका आपका है, हमारा भी है, इसमें दोनों लोग साथ मिलके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमें नॉलेज देना अच्छा लगता है और आप लोगों को नॉलेज लेना अच्छा लगता है या नहीं लगता है ये अलग की बात है। फिलहाल हमारा यही टॉपिक रहता है कि हम अच्छा सिखा सकें, अच्छा लोगों को बता सकें, जो हमारे नए नए फ्रेंड्स आज टेक्नोलॉजी में आने के लिए हमारे साथ तात्पर्य हैं। और फ्रेंड्स हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो हमारे नए फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू दोस्तों।